इसी तरीके से आप लोग बनाए, बहुत ही इजी सिंपल क्विक रेसिपी है। कोकोनट से ऑयल कैसे निकालते हैं ये जो हमने दिखाए हैं, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो इजी तरीके से कोई दिखाएगा नहीं आप लोगों को। देखें कितना प्योर प्योर कोकोनट ऑयल है, देख सकते हैं ना, प्योर कोकोनट ऑयल हमने कैसे निकाले हैं। फुल वीडियो वॉच करें, आप भी जो है घरों पे निकाल सकोगे दोस्तों। यह है कोकोनट का स्वीट ऑयल निकल जाने का बाद में निकलता है, आपका भी ऐसा निकलेगा, हम गारंटी देते हैं 100%। जो है नारियल का तेल निकालेंगे, कोकोनट का ऑयल निकालेंगे, बहुत ही यूनिक और देसी तरीके से निकालेंगे, झटपट। अभी हमने कोकोनट जो है ग्रेट कर लिया है, तो इस पे डालेंगे कोकोनट का पानी, जो नारियल तोड़े थे हमने पानी निकला था वो पानी पूरा डाल देते हैं। ये होता है गरम पानी, गरम पानी इसके ऊपर इसी तरीके से देना है, तरीके से पूरा चकट लेना है, इसका दूध निकालना है दोस्तों। इसे अच्छी तरीके से चकट देने के बाद में इसी तरीके से जो है दोनों हाथों का मदद से देखें, इसी तरीके से दबा के जो है नारियल का जो ये खक्का होता है इसे निकाल लेना है। इस पे निकाल के रख लेते हैं पूरा दोस्तों, दूध निकल चुका है बहुत, तो इसे देखें, इसे जो है और एक बार गर्म पानी देना है, इसी तरीके से गर्म पानी देके और एक बार जो है चकट के इसके जो है दूध निकाल लेंगे, इसी तरीके से जैसे हमने पहले किए थे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें भी बहुत सारे दूध है तो इसे निकालना जरूरी है दोस्तों। इसी तरीके से पूरा जो है हमने फिल्टर कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्टर कर लिया है, गर्म पानी में अच्छी तरीके से गूंथ के जो है फिल्टर कर लिए है। फिल्टर देखें कितना अच्छी तरीके से किए हैं। इसी तरीके से करने के बाद में अभी जो है हम इसे चूल्हे पे चढ़ाते हैं दोस्तों। हमारा वेस्टेज जो है इतना निकला है, इसे जो है आप कोकोनट का लड्डू या कारी वगैरह में डाल सकते हैं। इसे फ्रीजर पे रख के जो है 2-3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में देखें, हमने चूल्हे पे अभी चढ़ा दिए है, ये लकड़ी का चूल्हे पे बना रहे हैं। और ये जो है नारियल का तेल निकलने के लिए टाइम लगता है दोस्तों, और ये जो दूध है कम हो के बहुत ही कम होएगा, और इसे चलाते रहना है तो उसके बाद में तेल निकलेगा। उसके वीडियो में बने रहें, हम जो है आपको इसके जो है सीक्रेट वगैरह बताते रहेंगे, ट्रिक वगैरह बताते रहेंगे, ताकि आपका भी कोकोनट का जो है ऑयल बहुत ही अच्छी निकले, ज्यादा निकले और जल्दी निकले। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना। इसे बिल्कुल छोड़ देंगे तो उबाल आके बाहर आ जाएगा दूध। इसी तरीके से चलाते रहे, फिर दिखाते हैं 5 मिनट के बाद में दोस्तों। चलाते चलाते हमारा 5 मिनट हो चुका है, हम जो है 4 नारियल का जो है तेल निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बाजार पे हमने गए थे तो बाजार पे देखा पैराशूट का कोकोनट ऑयल है और जासमीन का है, बहुत सारे अलग अलग वेरायटी का है, पर प्योर कोकोनट जो ऑयल है हमें नहीं मिला दोस्तों। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो घर पे तो नारियल पड़ा है, पेड़ का तो बहुत सारे नारियल है, तो हमने जो है सूखे नारियल लेके जो है बनाएंगे। तो 4 सूखे नारियल लिए, तो लेने के बाद में जो है तेल निकालने का ये आइडिया हमने सोचा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम पे हमारे घर पे जो है नारियल का तेल मारते हैं बनाते हैं, तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, तो उसके लिए फिर से जो है तेल निकाल रहे हैं। देखें दोस्तों, इसे जो है ये दूध को जो है हमने फटाफट से जो है चलाना, पानी पानी के साथ में कम से कम तीन पानी पे ये जो मॉइस्चर जो है पूरा खत्म कर दिया है। ये कोकोनट का बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, हाथों पे जो है बिल्कुल आपका ऑयल नहीं आएगा, ये पानी है। ठीक है ना, अगर मॉइस्चर रह जाएगा इस पे तो ये जो है बहुत दिन तक इसका ऑयल जो निकलेगा चलेगा नहीं, अगर इस पे मॉइस्चर रह जाएगा तो। अगर मॉइस्चर नहीं है तो, अगर इस पे ऑयलीपन नहीं है तो, ये पूरा इधर पे आ गया तो इसका जो ऑयल निकलेगा दोस्तों सालों साल आपका चलेगा, ये प्योर देसी ऑयल होएगा। ठीक है ना, और एक तरीका है दोस्तों, इससे अगर आप दूध निकालते हैं कोकोनट से दूध निकालते हैं, तो जो बर्तन पे आप निकालेंगे वो डिब्बोल जो है
फ्रिज का अंदर रख दें। फ्रिज का अंदर रखने के बाद में क्या कर सकते हैं कि ये जो दूध आप फ्रिज पे रखेंगे ना, तो 3-4 घंटे के बाद में जो है ऊपर जो है मलाई जम जाएगा, नीचे पानी आ जाएगा। तो आप वो मलाई को जो है उठा के इधर डाल दें, पानी को जो है आप कोई रोटी गूंदने में या किसी काम पे लगा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे जो है झटपट जो आपका नारियल का तेल निकल जाएगा, लेकिन हमने जो है वो प्रोसेस अपनाया नहीं है। जो भी पानी दिए थे कोकोनट का दूध निकालने के लिए, वो पानी के समेत हमने एक कढ़ाई पे बैठा दिया है। तो इससे जो है पकाने के लिए ज्यादा नहीं 20 मिनट तक टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमने चूल्ही पे बहुत ज्यादा आंच दे रखे हैं, तो 20 मिनट तक में पक जाएगा दोस्तों। फ्रिज पे रखना वाला प्रोसेस पे जाएंगे तो बहुत ही कम तेल निकलेगा दोस्तों। टाइम तो दोनों का बराबर जाएगा पर तेल कम निकलेगा। इसका जो स्वीट है ना, स्वीट हमें बहुत पसंद है, और इसका तेल जो होता है दोस्तों प्योर कोकोनट ऑयल, बिना केमिकल का, बिना कोई मिक्सिंग का कोकोनट ऑयल जो है, इसे सर पे लगाए, बदन पे लगाए, बहुत ही अच्छा है। तो इसे जो है इसी तरीके से चलाना है। हमारा 5 मिनट हो चुका है। कितना ऊपर लेयर था, लेयर कितना कम हो चुका है, इधर से लेयर था, देख सकते हैं ना, अभी बहुत कम हो चुका है। तो इसी तरीके से थोड़ा हल्का हल्का चलाना है। कोकोनट का दूध जो है उबाल आ रहा है और दूध फट रहा है, आप करीब से देखें, इसका मतलब जो है इससे जो है ऑयल निकलेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयल निकलेगा। और एक बात बता दें दोस्तों, ये कितना व्हाइट आप देख सकते हैं ना, ये जो है कोकोनट गैरेट करते समय आप ध्यान रखें कि आप कोकोनट का जो पीछे का हिस्सा होता है ना ब्राउन वाला, वो ना आए, कम सम आएगा चलेगा, बहुत ज्यादा आएगा तो आपका कोकोनट का ऑयल जो है प्योर जो है ऑयल व्हाइट वाला नहीं निकलेगा, वो थोड़ा सा ब्राउन वाला निकलेगा। तो उसके लिए आप ध्यान रखना है कोकोनट का ब्राउन हिस्सा कम आए, और नहीं भी आएगा अगर उसे जो है पिलर से या चाकू से निकाल देंगे आप, ओनली व्हाइट वाला लेंगे, मिक्सर पे ब्लेंड करके जो है आप दूध निकालेंगे, उसका पीछे का छिलका निकाल देंगे, तो और भी वो जो है और भी अच्छी बात है, उसे निकाल देना है। निकाल देने के बाद में जो है उसे पीसना है ब्लेंडर पे, पीस के दूध निकाल के जो है करेंगे तो इसी तरीके से जो है आपका व्हाइट वाला बनेगा। और इसे हाथ दे के चेक कर सकते हैं, इसे चेक करेंगे तो इस पे ऑयल आपको महसूस होगा। गरम पानी से हमने जो नारियल का दूध जो निकाले हैं चकट चकट के, मॉइस्चर सब निकाल लिए प्यार से, थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छा बनेगा दोस्तों, क्योंकि 4 नारियल का हम बना रहे हैं। अगर आप 1 नारियल का बना रहे हैं दोस्तों, तो उसे जो है बहुत ही कम संख्यक में जो है ऑयल निकलेगा, और 4 नारियल का थोड़ा ज्यादा निकलेगा। आप कच्चा नारियल लेंगे तो कच्चे नारियल से जो है ऑयल अच्छा नहीं निकलता है, सूखे नारियल लेना है। और सूखे नारियल और भी एक आइडिया है, ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोगों को। हमने जो है सूखे नारियल पेड़ से जो है गिरा था उससे बना रहे हैं। आप सूखे नारियल को जो है उसका जो गोला होता है, गोला निकाल के पानी पे डाल के रात भर रख दें, सुबह उससे जो है बनाएं, उससे भी जो है अच्छी तरीके से ऑयल निकलता है। लेकिन हमने झटपट जो है देसी स्टाइल दिखाए हैं, जो तोड़ने के बाद में तुरंत जो है गैरेट करके उससे पानी डाल के, गर्म पानी डाल के दूध निकाल के जो है ये दूध बैठाए हैं चूल्ही पे। जो हमने गर्म पानी डाले थे पानी, वो पानी मर जाने के बाद में हमारा जो है ऑयल निकल जाएगा। ये होता है बहुत ही इजी एंड सिंपल क्विक प्रक्रिया। कोकोनट का ऑयल इसी तरीके से आप निकालें हमारा वीडियो देखने के बाद में, तो आसानी से आपका निकलेगा और ज्यादा कोकोनट का ऑयल निकलेगा दोस्तों, और व्हाइट भी होगा। वीडियो में बने रहें, ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। उबाल आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, ये जो है चूल्ही बहुत ही अच्छी तरीके से आंच लग रहा है, देखें मतलब जल रहा है, लकड़ी जो है जल रहा है। इसी तरीके से और भी चूल्ही आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखें। ये होता है दोस्तों बड़ा वाला चूल्ही, जो 100 आदमी 200 आदमी का खाना इस पे बन सकता है। और ये होता है दोस्तों, आप लोग देखें, ढाली वाला चूल्ही, और वो भी होता है दोस्तों दो साइड पे आप पका सकते हैं। तो चूल्ही जो है बहुत वैरायटी का है। हमारा 4 नारियल है, उसके लिए जो है हमने छोटा चूल्ही पे बैठाए हैं, अगर थोड़ा ज्यादा होता तो इस पे हम बैठाते। पीने के लिए बहुत ही जो है शानदार है, आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करें और कोकोनट मिल्क शेक जरूर देखें। इस तरीके से जो है ये दूध पे जो है ऑयल का टेक्सचर आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग कितना बेहतरीन टेक्सचर आ चुका है। इसी तरीके से देखें, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही हम दूध
दूध से जो है ऑयल निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को। पानी मिक्स किए थे दूध पे, कितना मर चुका है, अभी इससे जो है निकलेगा ऑयल। तो हमारा और भी 5 मिनट हो चुका है, तो टोटल हमारा 20 मिनट हो चुका है दोस्तों चलाते हुए। 20 मिनट का बाद में जो है इस प्रोसेस पे आ गया है 4 नारियल। तो अभी जो है मेन है, और 2-3 मिनट का अंदर ही 2 मिनट का अंदर ही दोस्तों ऑयल आप लोगों को दिखाएंगे। देखें इस पे ऑयल आ चुका है, पर सेपरेट नहीं हुआ है, सेपरेट होना चालू हो चुका है साइड पे थोड़ा थोड़ा। देखें इसी साइड पे देखें थोड़ा सेपरेट होना चालू हो चुका है, तो और 2 मिनट में हम आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ना, ये होता है ऑयल, लेकिन अभी ये ऑयल जो है ये जो निकला है, हमने बोले थे ना 2 मिनट में ऑयल दिखाएंगे आप लोगों को, तो इसे और थोड़ा पकाना है, इसे चलाना है। ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ये नारियल का स्वीट है, मतलब इसे आप बहुत ही लजीज स्वीट है, इसे आप प्यार से खाएं बहुत ही स्वादिष्ट होगा ये स्वीट। मतलब आप देख सकते हैं ना, 4 नारियल का ऑयल निकालने का बाद में जो है इसे थोड़ा सा निकला है, तो इसे जो है मतलब हम बहुत प्यार करते हैं, खाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही पसंदीदा है। बिना शुगर के, बिना गुड़ के हमने जो है ये मिठाई खाना है। नारियल का तेल निकालने का ये होता है आसान तरीका। अगर कोई बंदा नए है हमारा चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, कि उन्होंने जो है कोकोनट का ऑयल जो है आसानी से निकाल सकें। तो उसके लिए दोस्तों हमने जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं, निकलता है नारियल का मिठाई और जो है नारियल का तेल कितना निकलता है वो आप लोगों को रूबरू कराएंगे। कोकोनट का ऑयल जो है सेपरेट कर रहे हैं, अभी एक बाउल पे इसी तरीके से निकाल लेंगे। इसे लास्ट में फिल्टर करेंगे, पर अभी नहीं, ये बहुत गर्म है, तो इसी तरीके से जो है निकालना है आप लोगों को, थोड़ा 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 करके पूरा निकाल लेना है। तरफ देखें हमने जो है कितना ऑयल निकाले हैं, देख सकते हैं ना, यह होता है 4 नारियल का ऑयल। इसे थोड़ा सा और पका के जो है इसे आप गुड़ डाल सकते हैं या तो शुगर डाल सकते हैं, आपका मर्जी। हमें जो है गुड़ नहीं चाहिए, शुगर भी नहीं चाहिए दोस्तों, हम ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे। अच्छा बोल पे डाल के फिल्टर करके दिखाते हैं दोस्तों। देखें अभी डाल रहे हैं, चार बड़ा नारियल का जो है ऑयल निकाले हैं। तो इसे जो है ढक्कन ढका के जो है सालों साल आप इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों कैसे आप लोग बनाए हैं, बहुत ही इजी सिंपल क्विक रेसिपी है। कोकोनट से ऑयल कैसे निकालते हैं ये जो हमने दिखाए हैं, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो इजी तरीके से कोई दिखाएगा नहीं आप लोगों को दोस्तों। तो उसी लिए देखें कितना प्योर प्योर कोकोनट ऑयल है, देख सकते हैं ना, प्योर कोकोनट ऑयल हमने कैसे निकाले हैं, फुल वीडियो वॉच करें, आप भी जो है घरों पे निकाल सकोगे दोस्तों। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी हमने दिखाए हैं इस वीडियो का अंदर, कोकोनट का स्वीट ऑयल निकल जाने का बाद में निकलता है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी लेके, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।